अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आज का मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। मैं उठ के फ्रेश होगी, नाश्ता कर लिया, काम शाम तक कर लिए। आज हम बनाएंगे शामा बनाएंगे, मैं आपको चीज़ें दिखाऊंगी और उसके बाद हम नमाज़ पढ़ेंगे। अल्लाह अगर बारिश हो जाए, अल्लाह सबको से दे आमिर समामे। यह हमने बोनलेस 1 किलो गोश्त जो है ना मुर्गी का वो रख दिया। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, तेल मैंने थोड़ा ज़्यादा ही डाला है। सीख भी चाहिए, 1 चम्मच ये हो गया। थोड़ी सी इसमें डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च, हल्दी, नमक। ये वो एक आम मसाला है जो हम घर में हम यूज़ करते हैं, 150 ग्राम। हमने कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं डालना, अभी हम इसको छोड़ देते हैं। मैं कहा थोड़ा सा डाल लेते हैं ताकि वो एक टेस्ट जो होता ना, अच्छा वो ठीक हो जाए। ये ले जी, लहसुन हमारे पास पैसा हुआ पड़ा हुआ था। आ गया, अब ये पक रहा है चिकन है। जब भी गल जाएगा फिर मैं इसको बाउल में डाल दूंगी। चिकन गल गया है, उसको चूल्हा बंद कर सकते हैं और उसके बाद इसको हम भूनेंगे और साथ में सारे मसाले ऐड करेंगे। आज हम शामा बना रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे हमने लहसुन डाला है, हल्का सा लहसुन डालिए, हल्का सा, ठीक है। तेल डालिए हमने, जो तेल डाल दिया बनाएंगे व्हाइट सॉस, व्हाइट सॉस फिर मैं कलवंजी इसके अंदर, ये मैदा डाल रहे हैं अभी और अजवाइन है इसके अंदर ना। अच्छा मैदा डाल रहे हैं, हाँ मैंने निकाल लिया सारा जी। हमने इसके अंदर मैदा ऐड कर दिए, इसको मिक्स कर रहे हैं। हाँ अभी ऐसे ऐसे इसको लाइट आंच में ज़रा भूनेंगे। अच्छा ये लास्ट में आंच में भूनेंगे, ये ज़रा मैदा जो है ना उसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है। ये हलवे की तरह बनता जा रहा है, लेकिन हमने इसको तो डालते हैं, मिक्स करना है, करते ही नहीं, अभी कर लेते हैं ना। अभी बारी तो आने दो, हर चीज़ की अपनी अपनी बारी होती है, कर लेते हैं। उसकी वजह ये है, हलाना है इसको, हाँ क्योंकि ये गुठलियाँ ना बन जाए। अच्छा इसको पकाने के लिए रखा है तेज़ आंच में ना। हाँ मैदे को भूना था ना तेल और लहसुन के अंदर, तो फिर अब मैंने क्या किया है पानी डाल के इसको ग्राइंड कर लिया, क्योंकि ये गुठलियाँ बन के अजीब सा बन जाता है, इसको कौन घोटे बैठ गए। अच्छा फिर मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ, कोई इजी रेसिपी है। बस काली मिर्ची अभी हम ऐड करते हैं, काली मिर्च डाल रहे हैं काफ़ी सारी इसमें हम, बस वो करते हैं ज़्यादा कड़वा नहीं बनाना। अच्छा ये और वाइट चीज़ जो है इसमें मैंने कोई मसाले इतने नहीं डाले, नमक डालने से जिसका अच्छा हो जाएगा। आटा जी गुठलियाँ बननी शुरू हो जाएंगी मुझे डालने। अच्छा अच्छा मिक्स करेंगे आप। हाँ इसके अंदर ना कुछ चीज़ अभी ऐड की है, सिर्फ काली मिर्च और नमक, और अभी सब यही है। देखें इसकी कंसिस्टेंसी इतनी अच्छी है, लेकिन अभी मैं चीज़ें इसमें ऐड करूँगी ताकि इसका फ्लेवर चेंज हो। वो जो चीज़ें मैं ऐड करूँगी वो भी बहुत सिंपल है। अभी ये देखो गुठलियाँ नहीं बनी, शुक्र है। तो सबसे ज़्यादा मुझे चिड़ चलती है ना गुठलियों से, गुठलियाँ नहीं बनी। बस यखनी के क्यूब पड़े हुए, मैंने वो यखनी जमाई हुई थी ये वो यखनी ऐड करेंगी, ताकि ये जो है यखनी के साथ इसका फ्लेवर और इन्हेंस हो जाएगा। यूनो और यखनी मेल्ट हो जाएगी फिर डालते हैं और चीज़। कॉम्प्लान डालेंगे और ये 2 चम्मच काफ़ी होगा, ये बड़ा खाने का चम्मच। वाटर में अगर आ रही हूँ ऐड, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से जी, अच्छी तरह से मिक्स करके दूध ऐड करेंगे। दूध से इसका टेस्ट और कलर दोनों जो है वो क्या हो जाएंगे, अच्छी तरह अच्छे हो जाएंगे और ये वाइट भी हो गया देखो, अच्छा लग रहा है। ठीक है हम दूध को थोड़ी देर इसके साथ पकाएंगे। आई थिंक तो इतना दूध काफ़ी है। हमारा सॉस तैयार हो गया है, कॉर्नफ्लावर डालना तो फिर अच्छी तरह मिक्स करके फिर पकने के लिए रख देंगे जी। हमने खीरा अच्छी तरह धो के कटर बोल दिया है, उसको हम बारीक काट रहे हैं, उसकी कटिंग कर रहे हैं जी। ये खीरे अभी रहे, ये इसके बारीक हमने काट ली है। अब इसके बाद हम बंद गोभी लेंगे, बंद गोभी लेके उसको भी बारीक काटेंगे, क्योंकि शमामा के लिए काट रहा है बंद गोभी,
और खीरे भी शामे के लिए कटता है। खीरे का बंद गोभी बारी कट रही है, बंद गोभी शामे के लिए कटता है। और ये है, ये हम उसकी कटिंग कर रहे हैं जी। हम इसकी चिकन काटेंगे, चिकन हम बारी चिकन हम बारी करके काट रहे हैं। ये देखे चिकन कटर को ये देखे बारी कट रहा है क्योंकि सबके मुंह में आए पीस जी। ये चिकन हो गया है। ये देखे हमने नान दिया है, नान में हमने सॉस लगाया हुआ है। ये जी सॉस ला रहे हैं और सॉस लगा रहे हैं इस पे रोटी पे जी। ये नान में सॉस फैल जाएगा जी। बंद गोभी खीरे रख रहे हैं हम, खीरे रख रहे हैं। इसके बाद खीरे हम बस सजाए इस पर हम रख रहे हैं जी। अब इसके बाद हम जी हमने खीरे सारे रख लिए हैं। आज तीन रोटी बनाई है, हम इसमें सारी खीरे रखे हैं। और ये देखे इसमें हमने ऐसा से थोड़ा सा चिकन रखा है, चिकन ऐड की है जी। जी हम सारे में चिकन डाल रहे हैं, तीनों में डालते हैं रोटी। हमने तीनों रोटी रखी है, उस पर खीर रखे और उस पर चिकन ऐड कर रहे हैं। ये जी ये शामे के लिए तैयार हो रहा है जी। ये शामा बड़े मज़े का होता है। ये देखिए चिकन हमने सारा रख लिया है। इसके बाद हम लाल सॉस लेंगे, लाल जी हम लाल सॉस लेंगे। इसमें थोड़ा थोड़ा डालेंगे, अपनी मर्जी से भी खा सकते हैं जी। ये देखें लाल मिर्च सॉस डाली है थोड़ी थोड़ी। ये देखें लाल मिर्च थोड़ी सॉस डाल जाएंगी जी। ये लाल सॉस डाल दी है। इसके बाद हम बंद गोभी डालेंगे, बंद गोभी हम ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। ये देख स्टाइल बना गए, बंद गोभी रख रहे हैं जी। बंद गोभी हम रखेंगे। अब इसके बाद ये हमारा शोमा तैयार हो जाएगा, बड़े मज़े का होता है। आप केचप को भी साथ खा सकते हैं, बड़े मज़े की है। और इसके बाद ये जी मेरा शोमा तैयार हो गया है। मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।